जयपुर हम हो गए हैं ऑलरेडी और जा रहे हैं हम बाहर। अभी कितने बजे हैं? अराउंड 2:30। इट्स 2:30 PM। ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू कि आज हम लोगों ने नए होटल में चेक इन कर लिया है, सो वी विल टेल यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट आर प्रीवियस होटल ऑल्सो बट लेटर ऑन। बट अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ। सो हियर इज आकी। हाय गाइस। सो चले, लेट्स गो एंड लेट्स रोल द डे। मास्क ऑन गाइस। हाँ, हम लोग डेफिनेटली मास्क के साथ चल रहे हैं, सारा प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं, टाइम टू टाइम सैनिटाइज कर रहे हैं, एवरीथिंग इज टेकन केयर। दोनों वैक्सीनेटेड हैं डबल डोज के साथ, सो ऑल गुड। लेट्स स्टार्ट डे टू इन जयपुर। चलते हैं गाइस। ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो गए हैं क्योंकि सुबह हमें चेक इन करना था नई होटल में, सो चल दिए हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। आज देखते हैं कि आप लोगों को हम क्या क्या अच्छा दिखा सकते हैं। देख सकते हैं दोपहर को तो थोड़ा सा रश है यहाँ पर क्योंकि टूरिस्ट अट्रैक्शन है, सो और बाजार है, बाजार में यूजुअली होता ही है इतना ट्रैफिक। एग्जैक्टली शॉप्स वगैरह पे माल आ रहा होता है, सारा बाजार एरिया है, सो थोड़ा ट्रैफिक तो आपको यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे। इतने सुंदर आर्किटेक्चर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। कोई बोर्ड नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक नेम टैग की तरह बस पेंट से लिखा हुआ है। प्रॉपर एक एंशियंट टाइप है। ऐसा सेम चीज आपको अमृतसर में भी जो गोल्डन वो गोल्डन टेम्पल वाला एरिया है उसके उधर भी सेम ऐसे ही टाइप की दुकान्स वगैरह बनी हुई हैं और सेम ऐसी वाइब है। वो साफ सुथरा जिस हिसाब से है, ये भी उसी हिसाब से साफ सुथरा है, बस ट्रैफिक है वहाँ पे, मोटरेबल व्हीकल्स नहीं जा सकते, ये फर्क है। यहाँ तो गाड़ियाँ रिक्शे खच्चर सब चले जा रहे हैं। वही ना, एंड लोग मैनेज भी कर रहे हैं किसी भी तरीके से, लोग मैनेज कर ही रहे हैं। इंडिया में सब मैनेज हो जाता है, ना यहाँ ट्रैफिक सिग्नल चाहिए ना ज़ेब्रा क्रॉसिंग चाहिए। Exactly. पैदल चलने वाला भी सही है, बाइक पे चलने वाला भी, गाड़ी पे भी, और रिक्शा वगैरह तो है ही। सारे घूमे हम, बस वगैरह सारी चीजें। लाइक मैं यहाँ देख ही रही हूँ कंजेस्टेड भी हो रहा है बट सब लोग बहुत कूल है। कूल है, हम तो यूज्ड टू है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। सी गाइस, आर्किटेक्चर वाइज जयपुर इज सो ब्यूटीफुल। मतलब वो एंशिएंट टाइम आप यहाँ रीलिव कर सकते हैं। रीलिव भी क्या, जिन्होंने लिव नहीं किया वो यहाँ आके लिव कर सकते हैं वो वाला टाइम। सो जयपुर यू आर ब्यूटीफुल। स्पेशली वीडियोस उन्हीं लोगों के लिए बन रही है बिकॉज आप घर पर भी बैठ करके आराम से इस जगह का एंजॉय ले सकते हैं। मैं हर सारी डिटेल्स नहीं, क्या हुआ, कोई बात नहीं, अभी जरूरत होगी पॉइंट जो दिखाने दे बाद, अगर जरूरत होगी तो बता देंगे, बता देंगे आपको। थैंक यू। सो आप लोगों के साथ ये भी हो सकता है, सो बी अवेयर, मतलब इन सारी चीज़ों को लेके आपको यहाँ पर बहुत लोग अप्रोच करेंगे कि अंदर जीप से जाना है, अंदर ये है, अंदर वो है। सो अभी आप लोगों को हम सारा डिटेल्स बताने वाले हैं। हम गाड़ी से उतरते हैं एंड फिर आप लोगों को हर चीज़ एक एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर कवर करवाते हैं।
का निर्माण मानसिंह के दौर में पन्ना मीणा नाम के शख्स ने करवाया था। ये क्षेत्र चारों तरफ अरावली पर्वतों से घिरा हुआ था। तो ये स्टेपवेल, ये सीढ़ीदार बावड़ी बनाई गई थी पानी की उपलब्धता के लिए। इसमें अंतिम स्तर तक सीढ़ियाँ बनी हुई है। जैसे बारिश का पानी जमीन में जाता था तो ये ऑटोमेटिक रिचार्ज हो जाती थी। उस दौर में ये पानी यूज में लिया जाता था, इस कारण साफ हुआ करता था। सामने जो मंदिर देख रहे हो, मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 67 तक मंदिर, वो 67 तक इस क्षेत्र के राजा थे, उनके दौर का ये मंदिर है। बिहारी ससई, जो एक बिहारी गद्यपद साहित्य हिंदी साहित्य के कवि थे, उन्होंने इस मंदिर में बैठ के बिहारी ससई नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। उस दौर में मिर्जा राजा जयसिंह, उन्हें हर एक दोहे का एक स्वर्ण मुद्रा दिया करते थे। मिर्जा राजा जयसिंह अपने दौर में एक अपनी खूबसूरत रानी के मोह में फंस गए थे, तो उन्होंने एक दोहा लिखा, ना ही पराग ना ही मधु ना ही विकास इतिकाल, अली कली से ही बंदियों आगे कौन हवाल, ऐसा दोहा लिखा था। फिर मिर्जा राजा जयसिंह की निंद्रा खुली और उन्होंने राजकार्य में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। राजाओं के दौर में जो पैलेस में जाने का मुख्य साधन होता था हाथी होता था। जी, राज परिवार के लोग ही हाथी यूज कर सकते थे, नॉर्मल लोगों को अलाउ नहीं था। पैलेस में राज परिवार के आने का अलग रास्ता है, नॉर्मल लोगों के अलग। सर सीधे, अच्छा, मतलब जो राजा महाराजा हैं उनके लिए अलग रास्ते बनाए गए, दासी सैनिक इनके लिए अलग रास्ते। गाइज, अगर आप आते हैं आमेर फोर्ट, इस तरह से आपको पार्किंग मिल जाती है अगर आप अपने व्हीकल से कम्यूट करके आ रहे हैं। आज यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं, ये हमारी गाड़ी खड़ी है और अभी हम इसे पार्क करके अंदर जाने वाले हैं। तब तक आपको एक ओवरव्यू मैं यहाँ का दे देती हूँ। कैसा लग रहा है आपको आके जयपुर? भाई बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस। हर पहाड़ में गाड़ी चलाई है, बट ये बहुत अलग एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। चलो फिर आपको हम दिखाएं कैसा लग रहा है।
छत बोले छत भी लो चलो। परेड ग्राउंड चल रहा है और सामने राज परिवार का निजी निवास स्थान। जब ये मुगलों के संपर्क में आए तो मुगलों की तर्ज पे दीवाने आम और दीवाने खास बनाए गए। वर्ल्ड फेमस मार्बल मकराना मार्बल हाथ से किया गया वर्क है। मकराना मार्बल पे हाथी कमल का फूल ये हिंदू धार्मिक आर्ट है। और ये लाल पत्थर मुगलों ने जहाँ भी निर्माण कराया लाल पत्थर में कराया। बेल बूटे फूल पत्तिया मुस्लिम आया आके राजा जयपुर सेटल हो गए। अंग्रेजों के संपर्क में आने पर यहाँ के राजा सवाई प्रताप सिंह वो तीन दरवाजे ब्रिटिश शैली के तीन दरवाजे लगाए वो बाद के दरवाजे अंदर बिलियर्ड्स रूम बनाया गया। हाँ सही स्मित सामने राजा बैठता था दोनों तरफ मिनिस्टर मंत्री फ्लोर के संबंध बैठते थे। डाउन साइड नॉर्मल लोग आते थे अपनी जो भी फरियाद होती राजा को बताते और राजा उसका तुरंत समाधान किया था। इसे पावता लेक कहा गया। ये बीच में गार्डन देखते हो इसे केसर क्यारी या केसर बाग के नाम से जाना जाता है ऐसा कहा जाता है। मानसिंह एक बार कश्मीर गए कश्मीर में केसर की खेती देखी केसर से प्रभावित हुए तो केसर के कुछ पौधे यहाँ लाके लगाए गए लेकिन गर्म मौसम में वो सफल नहीं हो पाए। बाद में लोकल पेड़ पौधे लगाए गए लेकिन आज भी इसे केसर बाग के नाम से जानते हैं। राजाओं के दौर में अरेंज किए जाते थे तो इस छतरी में रानी चांदी के सिंहासन में पर्दे में कवर बैठती थी। उधर राजा बैठते थे अदर साइड मिनिस्टर बैठते थे नॉर्मल लोग डाउन साइड इकट्ठे होते थे। अच्छा राजा जी वहाँ बैठते थे रानी यहाँ इधर बैठती थी और नॉर्मल लोग डाउन साइड इकट्ठे होते थे। और जले चौक कहा जाता है इस जगह को। ये खड़ी सीढ़ी है इस दौर में विशेष कालीन बिछाए जाते थे सुरक्षा के लिए सर खड़ी सीढ़ियाँ रखी गई है। सामने गेट उस दौर का सिंह द्वार कहलाता है सिंह टाइटल ऐसा कहा जाता है। मानसिंह को अकबर ने दिया था। गीले चूने में नेचुरल कलर जो फूल पत्तियों से पालक धनिया पुदीना में केमिकल कलर नहीं होते थे जो नेचुरल कलर उपलब्ध कलर से ये डिजाइन है। गीले चूने में गीले कलर डाले गए तो वो उभर के आ गए। तो ये डिजाइन है मुस्लिम है मुगल डिजाइन है। गणेश जी की और जगह गणेश जी की फोटो होती है यहाँ गणेश जी की पेंटिंग बनाई गई। राजा जब युद्ध लंबी लड़ाई से आता था तो रानी ऊपर से फूल बरसा के राजा का स्वागत करती थी। ये झरोका इसीलिए है ये झरोका इसी कारण है। अच्छा, और रानियों को बाहर आना अलाउ नहीं था। रानी वहीं से पर्दा लगा होता था वहीं से दीवाने आम की मुख्य कार्रवाई को देख सकती थी। बहुत ही सोदा अकबर में जो अकबर बना हुआ ऋतिक रोशन अकबर को फूल बरसाने वाला यहाँ तक हम लोग आ सकते थे अंदर केवल खास लोगों का फूल पत्तियाँ ये बनाते थे। समय समय पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट उन्हीं चीज़ों से इसको वापस ठीक करवाता है। नीचे हार्ड टच होते थे कुछ जगह खराब हो गई ऊपर हार्ड टच नहीं होते थे तो अपने मूल रूप में बनी हुई है। बाहर राजाओं का गार्डन था ये रानियों का गार्डन है। मिर्जा राजा जैसी 1621 से 67 तक यहाँ के राजा थे उनके दो रानियाँ थी मृगनैनी और चंद्रमुखी जी। तो इस पार्क का निर्माण उन्होंने करवाया था। ये गर्मियों का पहले से बारिश के लिए गार्डन है वो सर्दियों का पहले से एशिया का पहला कांच का बना हुआ महल वो बनाया था। ये सेकंड रानी का बेडरूम है चंदन की लकड़ी का उस दौर का 400 साल पुराना था। इसमें हाथी दांत का उस दौर का वर्क इस गार्डन का नक्शा बना हुआ है। ये जो डिजाइन है देखिए यहाँ की रानियों की विशेष साड़ियाँ होती थी ऐसा कहते हैं कि साड़ियों की बॉर्डर की डिजाइन है। परिवार के सदस्य खाना खाते थे और ये कलरफुल पेंटिंग बनी हुई है। Thank you.
रानियों को बाहर जाना अलाउ नहीं था, रानियां इन छतरियों के माध्यम से छतरियों में बैठ करके ठंडी हवा का लुत्फ उठा सकती थी या आमेर कस्बे को देख सकती थी, बल्कि छतरियों में पर्दे होते थे जहाँ से चारों तरफ से ठंडी हवाएं आती थी। नीचे वो 12वीं शताब्दी का महाराजा काकिल देव के दौर का पैलेस है, पुराना पैलेस है। इसका निर्माण 1589 में मानसिंह राजा बना और 1590 से ऐसे कहा जाता है इसका निर्माण पुराना। एक बार उनकी रानी चंद्रावती को राजा ने ये कहा कि आप चांद के समान खूबसूरत हो, तो रानी ने कहा कि मैं चांद हूँ तो मेरे लिए तारे लाइए। तो राजा ने इस महल की कल्पना की और इस महल का निर्माण किया, मार्बल चूना और रंगीन कांच और रंगीन पत्थर से निर्माण किया गया। हमें बहुत अच्छे से घुमाया है मिस्टर महेंद्र यादव। अगर आप लोग कभी भी जयपुर आए या फिर आमेर फोर्ट आने का सोचें तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये अभी आपको अपनी डिटेल्स देते थे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को इन सब की डिटेल्स मिल जाएंगी। सो आप अपना नंबर बता दीजिए। 9928683446। एक और बार 9928683446। जी थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से घुमाया, आज बहुत मज़ा आया। एक एक डिटेल उन्होंने बताई है, एक एक यू नो एक एक छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखा गया है। ये जगह घूमने लायक है और आप लोग भी ज़रूर आएँ, बस इस जगह का आनंद उठाएं। सो गाइज वी आर बैक इन आर होटल रूम। आज का दिन बहुत बहुत अच्छा रहा, इनफैक्ट पूरा ही दिन आमेर फोर्ट को ही देखने में लग गया, बिकॉज वो इतना सुंदर है कि आप जल्द जल्दी तो देख ही नहीं सकते उसको, मतलब आप लोगों को टाइम चाहिए उस जगह को देखने के लिए। सो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं आमेर फोर्ट को विजिट करने के लिए तो मेक श्योर कि 2-3 घंटे कम से कम है आपके पास उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, अदरवाइज आप शायद थोड़ी ही चीजें एक्सप्लोर कर पाएंगे और उसमें फिर कोई भी मजा नहीं आएगा। जिस जगह में एक हिस्ट्री बसी हो, जहां एक इतने टाइम की हिस्ट्री हो, आप लोगों को उसको जानने के लिए जरूर जरूर एक गाइड की जरूरत पड़ सकती है। तो गाइड का नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट गाइड्स आई थिंक। अगर उनको नहीं हायर करते तो मे बी हम लोगों को कुछ यू नो समझ ही नहीं आता कि उस जगह पे एक्चुअल क्या हिस्ट्री रही है। गाइड का खर्चा भी बहुत रीजनेबल है, इट वॉज अराउंड वी पेड अराउंड 200 रुपीज, सो बहुत बहुत रीजनेबल है। आप आ सकते हैं एंड वो आपको आराम से पूरा फोर्ट घुमाएंगे, एक एक चीज एक एक डिटेल्स आप लोगों को बताएंगे, आप उनसे वेरियस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड आपको वो आंसर करेंगे। कल हमारा लास्ट डे है जयपुर में, उसके बाद हम लोग आगे ट्रैवल करने वाले हैं और आपको ले चलूंगी मैं अपने साथ आगे भी ट्रैवलिंग में। सो स्टे ट्यून्ड, ऑल दीज वीडियोज आर कमिंग टू योर वे, यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर देना सो दैट आपको नोटिफाई हो जाएगा जब भी मैं ब्लॉग अपलोड करूँ। सो या विद दैट आई फिनिश दिस ब्लॉग, टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड लव योर सेल्फ।